तो चौमिन बनना हो चुकी है स्टार्ट, आप देख सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म चौमिन आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है बिल्कुल हमारे भांजे वाले के अस्तर के लिए। और प्याज कट रही है, हम आपको दिखाते हैं पूरा, आपको शुरू से आखिर तक ये क्या क्या डालते हैं चौमिन में। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वेदांता फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा, ये रहा बोर्ड, और आपको दिखाते हैं फ्रंट व्यू। देख सकते हैं आप सामने का व्यू, कितना ऑसम रेस्टोरेंट है ये। ये भी रेस्टोरेंट फूलपुर में ओपन हो चुका है, इसको ओपन हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है ये और बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है ये फूलपुर का। और चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर क्या है। ये रहा ऊपर जाने का रास्ता। सामने आप देख सकते हैं कि ये पहला रूम है, तीन प्राइवेट रूम है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट रूम है, तो ये रहा फर्स्ट रूम। अब चलते हैं सेकंड रूम में, आप देख सकते हैं पूरा व्यू। तो चलिए चलते हैं आपको लेके सेकंड रूम में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राइवेट केबिन चार्ज फॉर 1 आवर ओनली ₹150। तो मतलब एक घंटे का ₹150 चार्ज करते हैं ये, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सस्ता है ये अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी देते हैं यहाँ पर। और ये देखिए अभी कुछ देर पहले यहाँ सेलिब्रेशन भी हुआ है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो अगर आप कुछ सेलिब्रेशन करने का सोच रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई भी सेलिब्रेशन, तो आप यहाँ पर सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। और ये रहा तीसरा रूम, तो ये थर्ड रूम है। तो टोटल तीन प्राइवेट रूम है यहाँ पर, इसको अभी आप अंदर से व्यू देख लीजिए। अभी भी जस्ट फैमिली गई यहाँ से। तो चलिए अब आपको नीचे ले चलते हैं, देखिए नीचे कैसा दिखता है ये वेदांता रेस्टोरेंट। तो चौमिन हो चुकी है तैयार हमारे भांजे मालिक अश्तर के लिए, अब ये सीधा जा रही है मालिक अश्तर के पास। अब यहाँ भी फूंक रहे हो, कल भी फूंक रहे थे, यहाँ भी आज भी फूंक रहे हो। अरे यार तो जलता था मुंह में ले लूं। हाँ तो और क्या, मुझसे नहीं, तो एक्सपर्ट हो यार। दोस्तों जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो आपने देखा कि मैं भागीचाली रेस्टोरेंट की मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया था, और वहाँ पे हमने खाया था चिली पनीर, वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्ट था वहाँ का। आज हम वेदांता का टेस्ट करने आए हैं, तो आज हमने कुछ खास डिश तो नहीं ऑर्डर किया है, बस मैंने एक चौमिन ऑर्डर किया हुआ है। सुना है कि चौमिन बहुत ज़बरदस्त होती है इधर की, और हमारे भांजे मालिक अश्तर को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो ऑर्डर मैं कर चुका हूँ, बस कुछ ही देर में चौमिन आने वाली है। और ये हमारे भाई, भाई थोड़ा अपना गुड नेम आप बताएँगे। विशाल सिंह, भैया का नाम है विशाल सिंह। तो भैया आप यहीं के रहने वाले हैं, फूलपुर के, गाजीपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं।
भैया हमारे गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो भैया ये वेदांता रेस्टोरेंट कब ओपन हुआ है आपको फूलपुर में? 2010 से चल रहा है। बताइए 2010 से चल रहा वेदांता रेस्टोरेंट, और मुझे मालूम था कि है यहाँ वेदांता रेस्टोरेंट, मैंने कभी विजिट नहीं किया। सोचिए मैं कितने साल बाद यहाँ विजिट कर रहा हूँ, और अंदर जब मैं यहाँ पे एंटर किया तो मैंने देखा कि बहुत ही ऑसम व्यू यहाँ का। तो भैया आपके यहाँ सारे फास्ट फूड अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, कस्टमर मतलब खाली हाथ नहीं आ सकता, जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। सारी चीज़ें मिलती हैं, हर चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, नॉनवेज सारा हर चीज़ मिलता है यहाँ पे। तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मैं एड्रेस यहाँ मेंशन कर दूंगा और भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। आप ही ओनर हैं वेदांता रेस्टोरेंट के? तो भैया ही ओनर है वेदांता रेस्टोरेंट के। तो दोस्तों बस वीडियो के साथ इंटर बने रहिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, चैनल को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं चाउमीन का। तो ये है रिसेप्शन, और आप देख सकते हैं कि फूलपुर में वेदांता रेस्टोरेंट, ये भी एक रेस्टोरेंट यहाँ पर खुला हुआ है, बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट, और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है। अगर आप कभी विज़िट करिए दिन में यहाँ पर तो बहुत भीड़ रहती है। पूरा किचन का एरिया आप देख सकते हैं। तो मालिक एक्स्ट्रा सॉस डालते हुए, इनको लगता है सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद है क्या? सबको पसंद होता है, हमें तो नहीं पसंद है। क्या शायरी है। तो अब मैं विशाल भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आपको भी अगर टेस्ट लेना है चाउमीन का तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। चाउमीन क्या किसी भी फास्ट फूड का आपको टेस्ट लेना है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। जब भी मैंने आपका नंबर मेंशन कर दिया है, लोकेशन भी मैंने मेंशन कर दिया है, और जो भी आप इस तरफ से लेकर कॉल आएगी तो उसके बाद भी कस्टमर का फीडबैक आपको मिलेगा तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपका जैसे भी।